तो हाय गाइस, आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप अपने एलोवेरा प्लांट्स में से बहुत जल्दी पप्स को ग्रोथ करोगे। पर गाइस, उससे पहले गाइस हमारे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ गाइस, इसलिए क्योंकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले गाइस, प्लीज़ कर देना। और आप आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें से प्लांट्स मतलब पप्स कैसे निकालें छोटे छोटे। आप देख सकते हो मेरा इतना बड़ा प्लांट्स हो गया जिसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स में ये एलोवेरा का वो निकालता है। देखो इस प्लांट से मेरा इस वाले प्लांट्स आ गया था, पर वो प्लांट तो मेरा अलग था, वो नहीं आया। पर ये वाला प्लांट कितना बड़ा हो गया, ये प्लांट्स मैंने अलग निकाल के रख दिया। और आपके गाइस कितने भी सारे वो आए प्लांट्स, आप गाइस निकाल के पप्स आए तो निकाल दें, किसी और पॉट में लगा दें, इससे आपकी पप आ सकें। और गाइस जो वो गोबर की खाद होती है उसको सुखा कर धूप में 2 या 3 दिन के लिए सुखा लें, और उसको पानी में डाल के, और उसमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है, और मिट्टी डाल दें उसमें। मिट्टी डालने के बाद उसको इसमें डाल दें। और गाइस देख सकते हैं मेरा पप निकला है इस तरह से, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके का ये पप निकला है। और भी मेरे पप निकलते जिसमें मैंने इसमें से इस वाले प्लांट्स में लगा दिए। देखो कितना बड़ा हो गया है मेरा ये प्लांट्स, अंदर से दिखाते हैं, पूरा बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा प्लांट से। देखो इसमें से मैंने लिया था भाई, मैं तो लॉन्ग वीडियो डाली हूँ, और पर मेरी एक डाली है, ये 2 वीडियो मेरी लॉन्ग डाली है, पर एलोवेरा प्लांट्स की नहीं है। प्लीज़ मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज़। देखो मैं इतनी कड़ी मेहनत से अपने सब्सक्राइब बढ़ा रही हूँ, पर गाइस आप कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और जो उसके वो खरबूजे के छिलके होते हैं ना, उनको डाल दो आप, उससे आपकी इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगी और इसमें से प्लांट्स निकलेंगे। आप इसके छिलके जरूर डाल दें। देखो मैंने हल्के से हाथ सारों में डाले हैं, इसमें भी डाले हैं, उसमें भी डाले हैं। देखो ये ज़रूर डालें है प्लीज़ गाइस। ये आज के लिए इतना ही, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।